रावला कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सरदार अशरफ नियाजी ने कहा है कि कश्मीरी आवाम और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के कारकुनान और पूरी क्यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को सजा दी जाएगी या ना अहल किया जाएगा, उस तासुर में कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ एक माहौल बनाकर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम लाने और सीपैक समेत दीगर कौमी मनसूबाजात और कश्मीर के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं। पानामा लीक्स भी उसी तरह की एक बैन अल-अक़वामी साजिश है जिसके जरिए दुश्मन कुव्वतों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मुश्किलात से दोचार किया। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम कौमी अदारों पर मुकम्मल एतमाद है। जजेस का फैसला मुल्की मफाद में होगा और उसका एहतराम भी करेंगे। JIT के कुछ मेंबरान पर मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने एतराजात उठाए थे और अदम एतमाद किया गया था। वजूहात के सामने आने पर मौजूद मेंबरान को इखलाकी तौर पर उस कार्रवाई से अलहदा हो जाना चाहिए था, जो ना हो सका। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने दुनिया में एक नई तारीख रकम की है। वजीर आजम अपने बेटों बेटी और दामाद के हमरा ग्रेड 18 के अफसरान के सामने पेश हुए और उनके सवालों के जवाब देते हुए मुल्की अदारों को मजबूत करने में एक तारीख साज किरदार अदा किया है। उन्होंने रावला कोर्ट में गाजिया मिल्लत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मशकूर हैं और उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का डटकर मुकाबला किया है और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। रावला कोर्ट में गाजी मिल्लत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के दिफा और बैन अल-अक़वामी साजिशों के खिलाफ पाक अफवाज ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हम पर इल्जाम लगाने वाले खुद 20 साल का रिकॉर्ड देने से इनकार कर रहे हैं। हमसे 60 और 70 साल रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। एक तीसरा टोला भी शामिल हो गया है जिन्होंने 5 साल करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए और अब एक नाबालिग से बयानात दिलवाए जा रहे हैं। NRO करके वापस आने वालों का करप्शन के खिलाफ बयानात देना इंतहाई मजाक का खेस है। अब उनकी अपनी पार्टी ही सारी PTI में जम हो रखी है, जो उनकी करप्शन और बैड गवर्नेंस की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने 1 साल में मिसाली काम किए। पाकिस्तान में भी हमारी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हमारी 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत है। खुदा की मेहरबानी से आपने लोगों की जमानतें जब्त करवाई हुई हैं और 2018 में भी आप देखेंगे जमिया मोहम्मद नवाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी। साबका हुकूमत की करप्शन का एहतसाब किया जाएगा। कश्मीरी आवाम की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये यकीन दिलाते हैं कि फैसला जो भी हुआ वो हम तस्लीम करेंगे और आपके साथ हर लम्हा चट्टान की तरह खड़े रखेंगे। मियां नवाज शरीफ कश्मीर उल नस्ल वज़ीर आज़म हैं और कश्मीरियों से उनकी वालिखाना वाबस्तगी भी उनके जुराइम में शामिल है, जिन जुराइम की उन्हें सजा दी जा रही है। मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उन्होंने उठाया और सरदार मसूद खान को बतौर सदर नामजद करके कश्मीर के मुकदमा के लिए एक एक्शन फैसला किया गया। सदर और वज़ीर आज़म भरपूर अंदाज में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं। कारकुनान पुर उम्मीद रखें, अफवाहों पर कान धरने के बजाय अपने फैसले पर फख्र करें और जमात की मजबूती के लिए काम करें। 2018 में भी मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। सादकाबाद बल्दिया की नाअहली मुजाहिद कॉलोनी की गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भर गईं। अहलियान मोहल्ला गंदे पानी में रहने पर मजबूर, नमाजी भी परेशान हो गए। बल्दिया का अमला सफाई करवाने की मंथलियां वसूल करने लगा, इंतजामिया भी खामोश। इलाके के रिहायशियों ने चेयरमैन बल्दिया से मुतालबा किया है कि सफाई सुथराई के अमला को भेजकर फिल फोर सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। हैदराबाद इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच को हादसा, हादसे में 20 के करीब मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर बस कराची से 7 जा रही थी, हादसा मंजंत के करीब पेश आया। हादसा मुसाफिर बस के सामने अचानक कार आ जाने के बाइस पेश आया। जख्मी मुसाफिरों को तिब्बी अमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। हादसे में बस ड्राइवर भी जख्मी हुआ, जिसकी हालत तश्वीशनाक है। मटियारी जिला के शहर खाला में म्यूनिसिपल कमेटी का सालाना बजट चेयरमैन मखदूम उमर ने पेश कर दिया। बजट में मखदूम गुलाम नबी पब्लिक पार्क के लिए 2 करोड़, शहर की स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए 2 करोड़ और शहर भर में तरक्याती कामों के लिए 5 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए। जबकि म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की जानिब से पेश किए गए बजट को दीगर मेम्बरान ने अवाम की सहूलत बजट करार देते हुए बजट की हमायत कर दी।
मुजफ्फरगढ़ में स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद पर मुश्तमिल तंजीम वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के तहत शहर के इलाकों शेरवानी चौक, रेलवे रोड, पुराना रंगपुर रोड पर सड़क किनारे पौधे लगाए गए। तंजीम के चेयरमैन हसीब आलम गुजर के मुताबिक शहर की खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए तलबा और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने जेब खर्च से शहर की तमाम अहम शाखराओं के किनारे पौधे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों से अपील की जाती है कि वो भी उनकी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि शहर को खूबसूरत और माहौल दोस्त बनाया जा सके। कमिश्नर हैदराबाद का MS बचाओ बंद मटियारी से सईदाबाद तक दौरा। कमिश्नर हैदराबाद के खाला के करीब दरियाए सिंध पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि जल्द दरियाए सिंध किनारे पर मौजूद नाजायज तजावजात हटाने का काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हैदराबाद में भी नाजायज तजावजात हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी सैलाब की सूरत हाल नहीं है, एक माह पहले हमने दौरा किया है। महकमा आबपाशी के अमलदारों को हिदायत करता हूँ कि वो भी वक्त से पहले होशियार हो जाएं। कमिश्नर हैदराबाद का कहना था कि जिला मटियारी के बंदों का जगह जगह दौरा किया है, किसी भी जगह इमरजेंसी नहीं है। यकीनन हमें तो हर जगह पहुंचना है, देखना है, टाइमली देखना है कि कहीं पे कोई अगर कोई वल्नरेबिलिटी है उसको टाइमली चेक करके थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए डिपार्टमेंट्स को। यहाँ आपकी एरिया में हमने हाला वाला पॉइंट भी देखा है, ये भी पॉइंट जहाँ भी खड़े हैं यहाँ भी देखा है भानोट, और उसके अलावा रास्ते में हम जगह जगह पूरा बंद से आए हैं तो पूरे बंद को चेक किया है। तो सिर्फ मकसद यही था कि देखा जाए, क्योंकि अभी तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अच्छा ये होता है कि वक्त से आप पहले तैयारी कर लें। अलीपुर में वापडा अहलकारों ने आवाम को मारने का ठेका ले लिया। अलीपुर की हर गली कूचे में बिजली की लटकी हुई तारें मौत को दावत देती नजर आ रही हैं। वालिदैन डर के मारे अपने बच्चों को गली में खेलने नहीं देते। बारिश के वक्त दुकानों के शटर, गेट और तमाम दीवारों में करंट आ जाता है। अहमद ईसा का 20,000 रुपए मालियत का बकरा करंट लगने से हलाक हो गया। शहरियों का कहना है कि वापडा की ना अहली से लटकती बिजली की तारों से करंट लगने से कोई कीमती जान का ज़िया भी हो सकता है, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वापडा हुकाम पर होगी। मानसेरा के इलाके मंडागच्छा में आम दुकानदार की दी हुई दवाई से 3 बच्चों की हलाकत पर अखले इलाका ने RHC शंकियारी में सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने ड्रग इंस्पेक्टर हुकूमत और मुंतखिब नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी की और अपने इलाके में अस्पताल कायम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ड्रग इंस्पेक्टर के मिली भुगत से करियाना फरोश भी अद्वियात बेचने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव का BHU 2005 के जलजले में मुनखदम हो गया था, जो सूबाई हुकूमत 12 साल बाद भी तामीर नहीं करा सकी। सेहत की सहूलियात न होने की वजह से आज हमारे सादा लोग दुकानदारों से दवाई खरीदने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि आज अगर अस्पताल होता तो फूल जैसे बच्चे 3 बच्चों की जानें जाए ना होती। जिला मानसेरा के इलाका सम इलाकी मंग के मुकाम पर दरियाए सरन पर तामीर पुल के लिए गुज़श्ता कुछ ही अरसा कबल 3 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया था, जो कि ठेकेदारों की करप्शन की नजर हो गया। ये पुल इस कदर नाकस हो गया है कि गाड़ियों का गुजरना तो दूर की बात, आवाम का भी इस पुल से गुजरना बहुत दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इकदाम उठाए और इस पुल को एक मरतबा फिर आवाम के गुजरने के लिए बहाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि आवामी नुमाइंदे इस करप्शन का नोटिस लें और आवाम के मफादात के लिए इकदाम उठाएं। मटियारी में खाला के नवाखी गांव हानोट में पुलिस को संगीन वारदातों में मतलूब बशीर माछी एक बार फिर कत्लो गारत पर उतर आया। आज सुबह के टाइम मुलजम बशीर माछी ने अपनी ही बरादरी के 50 साल पठान माछी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया और खुद कच्चे के इलाके में फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजम बशीर माछी ने एक रोज कबल मकतूल को जान से मारने की धमकियाँ दी थी। मुलजम ने मकतूल को गाँव में लकड़ी की दीवार बनाने से रोका था और आज उसने कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब मकतूल के सैकड़ों वर्षा इतला मिलते ही हाला कौमी शहरा पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कौमी शाहराह को दोनों अतराफ से बंद कर दिया।